पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को मुंहतोड़ जवाब देकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिले। अब खेसारी लाल यादव का मुसीबत बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खेसारी लाल यादव आरजेडी का स्टार प्रचारक कहा जाता है, आरजेडी के लिए कई सारे गाने गाए हैं जो आरजेडी के चुनावी सभा में बजते आ रहे हैं। लेकिन स्टेज शो से खेसारी लाल यादव को पवन सिंह ने मुंहतोड़ जवाब देने के बाद तेजस्वी यादव से मिले। इस बात का प्रमाणित यह है कि जिस सूट बूट में पवन सिंह स्टेज पर दिखाई दे रहे थे वही सूट बूट में तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि स्टेज शो का प्रोग्राम खत्म करने के बाद पवन सिंह तेजस्वी यादव से मिले, बीच की राजनीति बात हुई होगी। हालांकि जो विवाद हुआ था उस पर मैं आपको बता दूं, खेसारी लाल यादव इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह को चाचा टाइप बता देते हैं, अंकल टाइप कह देते हैं कि वह लड़कियों के साथ डांस करते हैं तो चाचा टाइप के लगते हैं, उनको सूट नहीं करता है, उनका एज ज़्यादा हो गया है। इसी पे प्रतिक्रिया अपना देते हैं पवन सिंह। एक स्टेज शो में जाते हैं, वहाँ के कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा से सोचता हूँ कि चुप रहूँ, आखिरी तक चुप रहूँ, किसी पर कुछ ना बोलूँ, लेकिन ये सब हमें चुप नहीं रहने देंगे। और कहते हैं कि ये हमारा एज ज़्यादा बता रहा है, मेरा एज हो गया है। और उसी बाद में कहते हैं बजाओ रे सोहर, ये तो भल सोयरी से निकला है। ऐसा जवाब पवन सिंह का खेसारी लाल के लिए होता है। और उसके बाद से होना ही था विवाद, क्योंकि विवाद खड़ा कर दिए थे खेसारी लाल यादव पवन सिंह को एज बताकर। तो जरा आप भी बताइए ना कि एक साल के अंतराल में कोई बूढ़ा कैसे हो सकता है, कोई चाचा कैसे हो सकता है। यानी कि पवन सिंह का एज मात्र 37 साल है और खेसारी लाल का एज मात्र 36 साल है। दोनों के एज का डिफरेंस और डिस्टेंस मात्र 1 साल का है, 1 साल से भी कम है। तो 1 साल के अंदर कोई बूढ़ा कैसे हो सकता है। हम बात इस तस्वीर की कर रहे थे, इन दिनों सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव का और पवन सिंह का यह तस्वीर काफ़ी वायरल हो रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इस बात का हम खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि आपसी संबंध किसी का हो सकता है, किसी से भाईचारा के तौर पर मिल सकता है। लेकिन इस बात का प्रमाणिक जरूर है, खेसारी लाल यादव को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भोजपुरी के पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार और मेगा स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह तेजस्वी यादव से मिले। यानी कि इस बात का प्रमाणित है कि जिस स्टेज शो में सूट बूट पहने नजर आ रहे थे वहीं सूट बूट पहने तेजस्वी यादव के साथ भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव है, लालू यादव की धर्म पत्नी भी है और पवन सिंह है और बाकी लोग उस सभा में आए थे। अब यह बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री का विवाद कैसे खत्म होगा। जिस भोजपुरी की हम बात करते थे, जिस भोजपुरी को 8वें अनुसूची में शामिल करने की बात करते थे, उसी भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार आपस में कुत्ते कौवे की तरह लड़ते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री का कभी भी भला नहीं हो सकता। बाकी देखिए यह तस्वीर कितनी वायरल हो रही है, कुछ लोग अलग अलग अपनी अपनी शंकाएँ रख रही है, अपनी अपनी राय जता रहे हैं। बाकी कैसा लगा रिपोर्ट, कैसा लगा वीडियो, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय बिहार।